ये नहीं। चलो बन गया, देखो जरा कैसे बना है। यार मुझे आज क्या हो गया, ये तो अच्छा बन ही नहीं रहा है। चलो फिर से ट्राई करती हूँ फॉर द 100th टाइम। ओह नो, यार आज मुझे क्या हो गया, इतना बकवास बना है। मैंने सोचा था कि इस दिवाली सबसे ज्यादा बेस्ट रील मेरा रहेगा, बट ये तो सबसे ज्यादा वर्स्ट रील बन रहा है। मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी ठंड हो गई है। मैं क्या करूँ, नहीं बनाना मुझे ये रील। आइडिया, वही तो मैं सोचूं, ये आयुष्का द ग्रेट में कैसे कोई कमी हो सकती है। इस फोन में कमी है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। इस घटिया आईफोन 6 में कमी है, ये आईफोन 6 तो आउटडेटेड हो गया है। आईफोन 13 लेती हूँ, सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन। एंड मम्मी पापा मना भी नहीं कर सकते, अब दिवाली है, गिफ्ट तो देना ही होगा, और इस बार आईफोन 13 मिलेगा गिफ्ट। यस, ऐसे में मस्त मस्त वीडियो बनाऊंगी, इतनी प्यारी क्वालिटी रहेगी एंड मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। चलो मांगती हूँ। मेड की पगार 15,000, दूध वाले का 10,000, ड्राइवर का हो गया 25,000, फूल वाले का, हार वाले का, बाप रे दिवाली तो दिवाला निकाल, खर्चा है घर का, खर्च बच्चों के लिए कपड़े लेने, कितने सारे खर्चे। मम्मी क्या चाहिए? अरे कुछ चाहिए थोड़ी, तो बस आपकी याद आ गई। अच्छा, एक ही घर में बगल वाले कमरे से जब याद आती है ना तो कुछ चाहिए होता है। अरे माँ वो सब आप छोड़ो, आपको पता है दिवाली आ रही है। तो मेरे सर पे क्यों बम फोड़ रही है, बाहर जाके फोड़ना। अरे सुनो तो मम्मी यार। अरे सुन तो लिया, दिवाली आ रही है, क्या करूँ, नाचूं? अरे मम्मा नाचूंगी तो मैं जब आप मुझे दिवाली का गिफ्ट दोगे। गिफ्ट? पंक कैसा गिफ्ट? अरे आईफोन 13 चाहिए मुझे मम्मा, और वो आईफोन 6 कितना आउटडेटेड हो गया है, उसमें तो मतलब ढंग के रील्स भी नहीं बनते हैं। इस आईफोन 13 में कितने बढ़िया रील्स बनेंगे, और मेरे फॉलोअर्स भी कितने बढ़ जाएंगे। प्लीज 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 दे दो ना। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सोचूंगी, अभी मुझे काम करने दे। ये थैंक यू सो मच मम्मा, यू आर द बेस्ट। ये आजकल के बच्चे भी ना, इनकी डिमांड इतनी बड़ी बड़ी रहती है आईफोन 13। पता है क्या आने वाला है? क्या आने वाली है? रहने दो, बाद में ही बताऊंगी। अरे मम्मा बताओ ना। रहने दो बाबा, बाद में ही बताऊंगी। अरे मम्मा बताओ ना, प्लीज बताओ ना, मैं आपके सब काम करूंगी। देखो मैं पढ़ भी रही थी ना। अरे तुम्हें पता है दिवाली आने वाली है? दिवाली? अरे ऐसा लग रहा है अभी दिवाली बीत के गई थी। तुम्हें कैसे पता चलेगा? जो दिन रात मेहनत करता है उसको पता चलता है। मम्मा मम्मा दिवाली में तो गिफ्ट मिलता है ना। इस साल तो आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिए थे, इस साल तो आपको देना ही होगा। याद है पहले हम छोटे थे, आप इतने सारे गिफ्ट लाते थे, मैं तो आपको बोलती भी नहीं थी। आप नई साइकिल, नए टॉयज लाते थे पिछले साल ने मिला, तो इस साल प्लीज कोई गिफ्ट दे दो, बस एक ही गिफ्ट प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा। क्या चाहिए तुझे गिफ्ट में? मुझे नए कपड़े चाहिए मम्मा, इतने पुराने हो गए हैं कपड़े, बचपन में तो इतने सारे कपड़े होते थे मेरे पास, मैं टाइम ही नहीं मिलता था डिसाइड करने के कौन सा पहनूं, अब तो बहुत कम होंगे, तो प्लीज मम्मा बस एक नए सेट कपड़े चाहिए मेरे को। अच्छा ठीक है बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुझे नए कपड़े दिलाने की। सच्ची? सच्ची। पक्का प्रॉमिस करो? हाँ बाबा पक्का प्रॉमिस। ये इस बार मिलेगा तो नए कपड़े। थैंक यू मम्मा। प्रॉमिस तो कर लिया, कहाँ से दिलाऊंगी पता नहीं। बहुत मजा आने वाला है। तुझे कैसे पता है कि मेरे मॉम डैड मुझे आईफोन 13 दिला रहे हैं? हाँ? आईफोन 13? ओह नो। वाह
वाह यार कांग्रेचुलेशन, देखो आईफोन 13 मिल रहा है। थैंक यू। अरे वाह यार तुम्हारे दोस्त में से पहली होगी जिसके पास आईफोन 13 आएगा, तो मेरी भी पिक्स खींचना उससे। हाँ लेकिन तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मैं कहाँ उदास, मैं तो खुश हूँ, कांग्रेचुलेशन, देखो आईफोन 13 मिलने वाला है। अच्छा नहीं मुझे लगा कि मेरी मम्मी ने तेरे मम्मी को बताया होगा। अच्छा वैसे वो सब छोड़, कितनी खुश क्यों थी? हाँ वो मेरी मम्मा है ना, मुझे इस दिवाली के लिए नए कपड़े दिला रही हैं। तो उसमें क्या बड़ी बात है, तो कभी भी ले सकता है। खेलते हैं। चलो सीमा को फोन लगाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी। हेलो सीमा, कैसी है? अच्छा सुन ना सीमा, मुझे एक तेरी मदद चाहिए थी। ये वाले कोविड में क्या हुआ तुझे तो मेरे घर की हालत पता ही है, उसके पापा के साथ क्या हुआ, और मैंने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, मैं एडवांस भी वहाँ से नहीं मांग सकती। एक काम करना, मुझे 2000 रुपया दे सकती है? अनु नए कपड़े के लिए जिद कर रही है, पिछले भी दिवाली में यही हालत थी, उसके पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, मैं पिछले दिवाली भी नहीं मनाई, इस बार तो उसके लिए नए कपड़े लेने ही हैं। क्या नहीं हो पाएगा? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब किसको फ़ोन करूं, इसने भी मना कर दिया। चलो सुनीता को फ़ोन कर लेती हूँ, वो शायद मेरी कुछ मदद कर सके। हेलो सुनीता, सुनीता मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी, दिवाली के बाद जैसे ही मेरी पगार आएगी ना मैं तुझे लौटा दूँगी। नहीं हो पाएगा? ठीक है अब क्या करूँ, सबने मना कर दिया। एक काम करती हूँ, अपने बॉस को फ़ोन करती हूँ। हेलो सर, सर मुझे 2000 रुपये चाहिए थे दिवाली के लिए, आप मेरी सैलरी से काट लेना सर। ठीक है। बेटा हम गरीब हैं क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जब से कोरोना हुआ है ना तब से ना पूरे घर की हालात खराब हो गई है। जब पापा पहले होते थे तो कितने सारे गिफ्ट लाते थे, मैं तो पूछती भी नहीं थी, वो फिर भी ला देते थे, इतने सारे टॉयज, इतने सारे कपड़े। लेकिन अब जब से वो चले गए पूरा घर सुना सुना हो गया, बस टॉयज ही रहते हैं। आपको पता है आयु की मम्मा उसे आईफोन 13 दिला रही है। अरे बेटा तुमने तो सिर्फ कपड़े मांगे ना, अगर आईफोन मांगती ना तो वो भी ला के देती मैं। मम्मा मुझे ना ही कोई आईफोन 13 चाहिए ना ही कोई नए कपड़े, मैं इस बार भी पुराने कपड़ों में दिवाली मना लूंगी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ना मेरे लिए चिंता मत करो। ये भी कोई बात हुई? कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए परेशान होती है क्या? नहीं माँ मैं आपको जानती हूँ, अगर आपके पास पैसे होते ना तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ता आपको गिफ्ट लाने के लिए, आप तो कब का मेरे लिए ला दिए होते। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई अब मुझे ही समझा रही है, तू तो चिंता मत कर मैं तेरे लिए कपड़े जरूर लाऊंगी। ठीक है माँ।
कहीं चलना नहीं है। कहाँ? अरे तुमने ही तो गिफ्ट में आईफोन 13 मांगा था ना। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हो गया, कुछ और चाहिए क्या? नहीं मम्मा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे आईफोन 13 नहीं चाहिए। मुझे इतनी महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत है, और बस जितना है उतना ही बहुत है। मैं सेल्फिश बन रही थी, और मुझे आपसे ये आईफोन 13 मांग के परेशान नहीं करना है। और वैसे भी मैं इस आईफोन 6 से भी काम चला सकती हूँ। एंड ऐसा थोड़ी है कि मतलब सिर्फ मैं खुश रहूँ, मेरे आसपास सब लोग दुखी रहे, मैं ऐसा नहीं चाहती। दिवाली का असली मतलब तभी आता है जब मैं भी खुश हूँ, मेरे आसपास सब लोग खुश रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद फिर से गिफ्ट? अरे माँ दिवाली गिफ्ट तो बनता ही है। तो बताओ अब क्या चाहिए? माँ मेरी फ्रेंड जो है ना अनु, उसके लिए हम नए कपड़े खरीद के उसे दिवाली गिफ्ट देते हैं, क्योंकि इसकी माँ ने ना उसे प्रॉमिस किया था कि उसे नए कपड़े दिलाएंगी। एंड माँ उस दिन मैंने आपको उनसे बात करते हुए सुन लिया था। वैसे भी मैं तुमको आईफोन 13 तो नहीं दिलाने वाली थी, मैं तो कपड़े ही खरीदने जा रही थी। लेकिन बेटा तुमको खुद से एहसास हुआ, ये मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू मम्मा। चलो चलते हैं। चलो अभी हम सबके लिए कपड़े लेके आते हैं। ठीक है। आयु क्या हो, मुझे ऐसे क्यों बैठा के रखी है, क्या सरप्राइज है? आई आके बंद है ना? हाँ बंद है। हाथ आगे ला। आँख खोल। हैप्पी दिवाली। तुमने गिफ्ट लाई आयु? हाँ। थैंक यू आयु। और मेरे लिए मिठाई भी लाया है, तेरा फेवरेट मोती चोर के लड्डू।